हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कनाडा फॉर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने टू मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, ये आपने सुना होगा, अभी पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके कमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात, मैंने बताया इसका पुराना नाम क्या था, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। ये एक स्पोर्ट्स का ऑनर है, याद रखिएगा। जिस तरह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, वैसे ही स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो याद रखिए खेल रत्न होता है, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। याद रखिए, यह अवार्ड जो होता है हर साल एनुअली दिया जाता है, बाय होम, बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो हर साल ये अवार्ड मिलता है और 1991 से आप देख रहे हैं ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो आप सोचेंगे सबसे पहले अवार्ड किसको दिया गया, तो चेस के ग्रैंड मास्टर आप कह सकते हैं, दैट इज विश्वनाथ आनंद को ही सबसे पहले 1991 में ये अवार्ड मिला। तो सबसे पहले रेसिपिएंट अगर हम देखें, उस टाइम पे इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, बट अब आज की डेट में हम इसको मेजर ध्यानचंद के नाम से ही जानेंगे, तो उनको मिला था, किसको, विश्वनाथ आनंद को। ओके, अब इसकी कुछ और अगर पॉइंट्स में अगर बात करूं आपसे कि ये अवार्ड कैसे, कौन रिकमेंड करता है, तो याद रखिए कमिटी स्टैब्लिश की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के थ्रू। ओके, और ये कमिटी जो रहती है वो सेलेक्ट करती है किसको है और वो फिर फॉरवर्ड करती है किसको, गवर्नमेंट को, दैट इज मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करती है, उसके अकॉर्डिंग चूज होता है। ये तो चलिए बहुत छोटी सी चीज होगी, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि किस चीज के लिए मिलता है। फॉर स्पोर्ट्स में मिलता है, तो स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी स्पोर्ट्स में। अब कब तक के लिए, याद रखिए ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, मतलब आप कम से कम आपने 4 साल वो टाइम पीरियड आपने दिया हो जहां पर आपको ये अवार्ड मिल सके, तो ये इंपॉर्टेंट है 4 ईयर्स। और किस लेवल पे, एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, 4 ईयर्स और इंटरनेशनल लेवल। ये क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जा सकता है कि कितने साल का आपको याद रखिएगा, एक तरीके से टाइम पीरियड होना चाहिए जब आपको खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ओके, अब अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करें, बट उससे पहले इसमें मिलता क्या होगा आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा इस बार जो है सुनील छेत्री जो है, याद रखिए फुटबॉल के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको इस बार का खेल रत्न अवार्ड इनको भी मिला हुआ है। तो आप देखते हैं उन्होंने मेडल दिखाया हुआ है, तो किस तरह इसमें लिखा हुआ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो इस तरह का मेडल है, याद रखिए मेडल मिलता है, फिर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको देख सकते हैं यहां पे सर्टिफिकेट दिया जाता है और प्रेसिडेंट इस अवार्ड को प्रोवाइड करते हैं और इसमें कैश प्राइस 25 लाख है, ये आपको याद रखना है। पहले इसका कैश प्राइस कुछ और था, 7.5 लाख था, अब इसका कैश प्राइस 25 लाख रुपीस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे क्यों रखा, मैं आपको बताऊं, 2021 में ओलंपिक्स हो रहे थे जिसमें हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, तो इसी टाइम पर हॉकी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चल रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया। तो अगर मैं मेजर ध्यानचंद जी की बात करूं, तो याद रखिएगा इन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड भी जीता हुआ है, किस किस ईयर में, 1928, 1932 और 1936, ये आपको याद रखना है। इनका बर्थडे आता है 29 अगस्त 1905, इसीलिए हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं और इसी दिन, याद रखिएगा, बहुत सारे जो नेशनल स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं वो भी इसी दिन प्रोवाइड किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ऐसा नहीं है कि खेल ध्यानचंद जी के नाम पे सिर्फ अभी प्रधानमंत्री जी ने अफको राजीव गांधी का नाम बदल के ध्यानचंद अवार्ड रख दिया है, खेल रत्न अवार्ड रख दिया है। इससे पहले भी अगर बात करें खेल रत्न को छोड़ के भी, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है जिसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यानचंद अवार्ड अलग है। और याद रखिएगा आपको जो मैंने बताया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो दूसरा अवार्ड है, तो दोनों अलग अलग अवार्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002 से दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट पे, तो ये अवार्ड डिफरेंट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। और अगर हॉकी की बात करें, हॉकी के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं मेजर ध्यानचंद, 3 बार गोल्ड भी जीता है। तो हॉकी की बात करें तो इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स में हॉकी में 12 मेडल जीत चुकी है, यह भी आपको याद रखना है, जिनमें से 8 बार गोल्ड जीता है, 1 बार सिल्वर जीता है और 3 बार ब्रॉन्ज जीता है। और इस बार जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, याद रखिएगा उसमें इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो टोटल हॉकी में हम 12 मेडल जीत चुके हैं। अगर मैं इस बार की खेल रत्न की बात करूं, टोटल 2021 की अगर बात करें, तो कितने खेल रत्न अवार्ड दिए गए, तो टोटल 12 पर्सनालिटीज हैं जिनको खेल रत्न मिला, याद है कितनी पर्सनालिटीज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 12 पर्सनालिटी को खेल रत्न मिला, उनके नाम देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा जी को मिला एथलेटिक्स में, रवि कुमार को रेसलिंग में, लोविना को बॉक्सिंग में, याद है श्रीयश को हॉकी में, अवनी को पैरा शूटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सुमित को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में, मिथाली राज को क्रिकेट में, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया सुनील छेत्री, याद रखिएगा उनको फुटबॉल में, और मनप्रीत सिंह को हॉकी में। तो इस बार आप देख रहे हैं 12 लोग को दिया गया, 12 लोग को दिया गया, ऐसी कोई लिमिट नहीं है इसमें कि आप इतने लोगों को ही दे सकते हैं, इस बार बहुत ज्यादा लोगों को दिया गया है, तो इस बार इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कौन सा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्या मेजर ध्यानचंद अवार्ड और किस फेमस पर्सनैलिटी को दिया जा चुका है, ओके, पहले इतने लोगों को नहीं देते थे, याद रखिए 1-2 को ही मिलता था,
तो याद करना आसान होता है, इस बार 12 लोग को दिया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा ठीक है। अगर मैं लिस्ट ऑफ फेमस अवार्ड्स बताऊं जो खेल रत्न में किस किस फेमस पर्सनैलिटीज को मिला है, एक तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहला अवार्ड किसको मिला है याद रखिएगा, जो मैं चेस मास्टर अभी कुछ देर पहले आपको बताया विश्वनाथ आनंद को। और अगर बात करें 1994 में कर्णम मलेश्वरी को मिला है जो कि वेट लिफ्टर थी, याद रखिएगा। 1996 में लिंडर पेस को, याद रखिए टेनिस के लिए मिला हुआ है। 1997 में सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं हम इनको। 1999 में धनराज पिल्ले जो कि हॉकी के लिए है, आपको याद रखना है। 2000 में गोपी चंद को मिला हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। 2001 में अभिनव बिंद्रा, दैट इज रिलेटेड टू शूटिंग, रिमेंबर। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स में, मैं याद रखिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और भी लोग को मिला हुआ बट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पे डिस्कस करें। 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर, अभी ये बीजेपी में है आपको पता होगा, शूटिंग के लिए इनको मिला हुआ है ठीक है। 2005 में पंकज आडवाणी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बिलियर्ड्स के, रिमेंबर। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है, 2007 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिला है। 2009 में मैरी कॉम को मिला है जो कि बॉक्सर है। 2009 में सुशील कुमार, ये तो अभी जेल में है याद रखिएगा, इनको मिला है फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए ओके। 2010 में सानिया नेहवाल, इंपॉर्टेंट बैडमिंटन। 2015 में सानिया मिर्जा, याद रखिएगा दैट इज टेनिस, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज डिस्कस करें। 2016 में पीवी सिंधु, बैडमिंटन के लिए बहुत फेमस पर्सनैलिटी, आपने सुना होगा। 2007 में देवेंद्र झाझरिया, याद रखिए पैरा ओलंपिक्स में जैवलिन के लिए इनको मिला हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये भी। 2018 में मीराबाई चानू जो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट वेट लिफ्टिंग है। 2018 में विराट कोहली को अवार्ड मिल चुका है क्रिकेट के लिए ओके। 2020 में रोहित शर्मा को भी अवार्ड अभी दिया गया है, रिमेंबर, क्रिकेट के लिए। और 2020 में रानी रामपाल को दिया गया है हॉकी के लिए। तो आपने देखा 2021 का तो मैंने आपको बताया दिया 12 लोग को मिला है, उन सारों के अवार्ड नाम मैंने दे दिए हैं, ओलंपिक्स और ओलंपिक्स वो न्यूज में थे इसलिए उनको अवार्ड मिला है। तो यहां पर जो हमारा खेल रत्न अवार्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन आपको इसे देखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिए, प्लस हमारे जो कोर्सेज हैं याद रखिएगा एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो आप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यूपीएससी अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज, एनसीईआरटी की क्लासेस, आंसर राइटिंग क्लासेस, प्री मेंस ऑप्शनल, सारी चीजें आपको मेरे ऐप पे मिल जाएंगी, एक बार ऐप को जरूर विजिट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर आपके पास ऑलरेडी क्लासेस कर रखी हैं, आपको सिर्फ नोट्स की जरूरत है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सैंपल चेक कर लो, नोट्स पसंद आए तो तुरंत ऑर्डर कर सकते हो, नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत पर्सपेक्टिव होंगे तो मेरा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए एक बार नोट्स को जरूर आप चेक कर सकते हो ठीक है। तो यहां पर मैंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कवर किया जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कमेंट करिए आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं। वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी कहेंगे तो सर वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके, कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, आपके कमेंट पढ़ के हम आपका नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर जरूर बनाएंगे। थैंक यू।